हाय गाइस, दिस इज विवेक सेन, इंडिया वाचिंग ऑन वीवूज ऑटो ब्लॉग। स्वागत है गाइस एक और नए वीडियो में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की टफ एसयूवी की। हालांकि जब ये पहले लॉन्च हुई थी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं थी, अब इसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया ताकि टैक्स रिलैक्सेशन यहाँ पर कस्टमर्स एंजॉय कर सके। और ये 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हालांकि ये जो एसयूवी है कुछ ऐसी इंटेलिजेंट या स्मार्ट एसयूवी नहीं है और कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इसमें नहीं मिलता, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रग्ड एसयूवी। और रग्ड एसयूवी की जब बात आती है तो ये मेजरली उन्हीं रीजन्स के लिए ज़्यादातर मैन्युफैक्चर की जाती है जहाँ पर सड़कें खराब, खड्डे वगैरह ज़्यादा रहते हैं। आप रूरल में इनको ज़्यादा देखोगे, अर्बन लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंफर्ट को। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मोनोकॉक चेसी का यूज़ नहीं किया गया दोस्तों। और महिंद्रा अक्सर अपनी गाड़ी में जो है वो लेडर ऑन फ्रेम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दीज कार्स आर एसयूवीज, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एसयूवीज या फिर एमपीवीज। और एसयूवी एमपीवीज में लेडर ऑन फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उनको ऑफरोड करना पड़ता है, एक रफ लोड लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे में महिंद्रा बुलेरो क्या एक बेहतर ऑप्शन है आप सभी के लिए, या फिर ये अर्बन एसयूवी के तरीके से काम कर सकती है? आज जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि एक ओवरव्यू होगा, इट इज़ नॉट अ रिव्यू, क्योंकि मैं इस गाड़ी को चला नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और टेस्ट ड्राइव अवेलेबिलिटी फिलहाल डीलर्स के पास में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में मैं एक चीज़ आपको और यहाँ बता दूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की गाड़ी खरीदना चाहते हो, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, तो नीचे जो है वो एक गूगल मैप दिया गया है, फॉर्म भरिए और आई विल प्रोवाइड यू विद बेस्ट डील्स पॉसिबल। टेस्ट ड्राइव एट योर प्लेस और ट्राई करूंगा कि मेरे डीलर का जो कनेक्शन है वो आप उसकी उसका बेनिफिट उठा सको, आप रॉयल्टी वहाँ पर उठा सको। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया गया है, वहाँ जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप जो है वो की देख सकते हैं, महिंद्रा बुलेरो की कैसी लग रही है, थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। तो ये जो कीज़ है वो वही कीज़ है जो आप रेगुलर महिंद्रा में भी देखते हो या फिर बाकी की महिंद्रा की और जितनी भी गाड़ियाँ उसमें देखते हो। और फ्लिपेबल की है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अट्रैक्ट करें, यहाँ पर कुछ भी कोई बटन्स नहीं है, बस स्लॉटिंग्स दी गई हैं। क्योंकि महिंद्रा की और जितनी भी गाड़ियाँ वो इस की फॉब के साथ में आती हैं, जिसमें लॉक अनलॉक और बाकी चीज़ें दी गई हैं, बट ये आपको जो है वो मैनुअली ही खोलना पड़ेगा। एंड एक बेकार चीज़ ये है कि इसका जो की होल है, यानी की को ऑपरेट करने की जो जगह है, वो केवल ड्राइवर साइड ही दी गई है, वो आपको पैसेंजर साइड भी नहीं मिलती है गाइस। एनीवे, इसको रखते हैं और गाड़ी के पास चलते हैं, गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लियर लैंप्स हैं, ये कोई ऐसी लैंप्स नहीं है कि आपको DRLs नज़र आएँ, ये क्लियर लैंप्स है, यानी कि आप शाम के टाइम इनको जला सकते हैं, फिर गाड़ी कहीं पर खड़ी है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नीचे अगर आप थोड़ा सा चलोगे ना तो आपको बीम एक ही मिलेगी, रिफ्लेक्टर वाली बीम मिलेगी जो ब्लैक एंड की गई है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये ब्लैक एंड की गई है और एक DRL की प्रेजेंस दी गई है, ऐसा लगेगी DRL दी गई है। ये चलती हुई गाड़ी में शायद आपको ऐसा रिफ्लेक्ट लाइट होने की वजह से लग सकेगी ये DRL है, बट दीज आर नॉट DRL। बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, मैं यही कहूँगा। और ये वाला सेक्शन जो है ना, आई गेस ये खाली रखा गया है। और नीचे अगर आप देखोगे तो फॉग लैंप यूनिट या फॉग लैंप की हाउसिंग यहाँ पर दी गई है, एयर डैम आपको कुछ नीचे इस तरीके से मिलता है। एंड किसी प्रकार की स्किड प्लीट नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर महिंद्रा द्वारा ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पे टोइंग हुक दिया गया था कि आप अंदर जो है ना टो कर सको गाड़ी को, वो आपको हुक लगाना पड़ेगा। एयर डैम एंड यहाँ पर ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली चेंज की गई है, कैरेक्टर लाइन्स बिल्कुल पुराने की तरह ही आती है। एंड बहुत ही बॉक्सी डिज़ाइन इस गाड़ी को जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे इंटरकूलर दिया गया है, गाड़ी के इंजन की भी हम बात करेंगे बट एंड में, और कुछ इस तरीके की अपील जो है वो गाड़ी यहाँ से रखती है। अगर मैं यहाँ पर व्हील आर्चेस की बात करूँ, बहुत ही मैसिव व्हील आर्च है, मुझे लगता है सेकंड में इससे बड़े व्हील आर्च आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर जो है बहुत ही बड़े प्रोफाइल के ये टायर्स दिए गए हैं। मैं डायमेंशन भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद 205 या 215 होने चाहिए, 275 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स हैं, बहुत ही मोटा इसकी प्रोफाइल, आपको एस्पेक्ट रेशियो जो है वो काफ़ी मोटी मिलेगी। आगे आपको सस्पेंशन कुछ इस प्रकार के देखने को नज़र आने वाले हैं। और यहाँ पर देखोगे बहुत ही बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली आप रेगुलर कार में नहीं देखते, बहुत ही ओपन सा है ये एरिया ना, और ये आपको लगेगा ओपन ओपन सा नज़र आ रहा है और कंपोनेंट्स जो हैं वो विजिबल है स्ट्रेटली। यहाँ पर भी आप एक स्टेपर देखोगे और काफ़ी अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस मेंशनड है, एक स्ट्रिप जो है वो कंटिन्यूसली होते हुए पीछे तक जाती है जो एक अच्छा अपील देती है। एक टर्न इंडिकेटर जो है आपको फेंडर पे ही देखने को नज़र आने वाला है। एंड ये जो हुक्स हैं ये कम्प्लीटली विजिबल है, इवन इनके स्क्रूज जो हैं वो तक भी विजिबल है। एंड सीमलेस वेल्ड का जो स्पॉट है ना वो भी आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। तो आई गेस ये सीमलेस वेल्ड के स्पॉट्स हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सब चीज़ें खुली खुली सी हैं। जैसे यहाँ पर कवर किया गया इसके हुक्स को, एक की होल आपको यहाँ पर मिलता है एंड ओपन
अब इस तरीके से कर सकते हो इसके अंदर चाबी लगा के। ओआरवी में काफ़ी बड़ा सा है बट मैनुअल ही है और बाहर से ही आपको जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। इस प्रोफाइल से ना मैं आपको इसके डायमेंशन बता देता हूँ। 3999 mm की लेंथ आती है, विड्थ और हाइट आपकी स्क्रीन पर इस टाइम देखने को आपको नज़र आ रहा होगा। वो जैसे छोटे छोटे से एलिमेंट दिए गए हैं ताकि थोड़ी स्पोर्टी फिनिश यहाँ पर आपको देखने को नज़र आए। फ्यूल लिड राइट साइड में दी गई है, ये डीजल इंजन के साथ में आती है। स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एंड ये देखिए लेडरॉन फ्रेम आपको नज़र आ रहा होगा, लेडरॉन फ्रेम कैसे है यहाँ पर भी आपको लीफ स्प्रिंग देखने को नज़र आएंगे। बड़ा सा विंडो एरिया, बहुत बड़ा सा विंडो एरिया। इवन जो क्वार्टर विंडो है या बटरफ्लाई विंडो तो यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन क्वार्टर विंडो जो है वो भी बहुत बड़ा, ये बहुत मैसिव दिया गया। पीछे अगर रियर की प्रोफाइल देखोगे तो स्टॉप लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये रिवर्स लाइट एंड ये टर्न इंडिकेटर। सेक्शंस वैसे ही जैसे पुराने वाली के थे बट कुछ थोड़े बहुत से चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर मिनिमल चेंजेस आप देखोगे। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, लिव यंग लिव फ्री का स्टिकर यहाँ देखोगे एंड बुलारो का कवर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये वही डोर ओपनर है जो आपको पहले भी मिलता था, एक होल हालांकि यहाँ पर मिल जाता है। पीछे दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं बिकॉज इंडियन स्टैंडर्ड्स सेफ्टी को यहाँ पर दिया गया है, जो वो चेसी से ही माउंटेड है। पीछे टो हुक दिया गया है, नीचे आप कैलिबर्स देख पा रहे होंगे जो कि लीफ स्प्रिंग के हैं। यहाँ पर साइलेंसर यूनिट आप देखोगे। एनीवे इसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर स्पेस जो है वो चेकआउट करवाता हूँ मैं आपको। कुछ उस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, विंडो ओपनर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की यूनिट और यहाँ पर जो है वो आपको सीट्स, ये जो सीट्स है इस पर एक ही बंदा बैठ सकता है अगर वो एडल्ट हुआ तो, वो भी शायद मुश्किल ही है। मैं आपको यहाँ पर बैठ के भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ गाड़ी के और वहाँ पे चीज़ें चेकआउट करते हैं। गाइस यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, वाइट एंड कुछ ग्रेश कलर। विंडो आपको पावर नहीं मिलती है इस वेरिएंट में एटलीस्ट। एंड यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो दिया गया है। एसी वेंट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऑफ वाइट कलर की ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। अगर मैं इंग्रेस करूँ तो मुझे स्टेपर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। वो यहाँ पर तीन पैडल्स दिए गए हैं, इससे आप इंक्लाइंड और रिक्लाइन कर सकते हो, आगे और पीछे जो है वो उसको मूवमेंट दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो महिंद्रा का जो स्टेयरिंग है ये अब पहले भी किसी प्रकार के कंट्रोल्स के साथ में नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। और यहाँ पर जो है अगर मैं चाबी लगाऊँ तो देखिए चाबी मैंने यहाँ से लगाई, इल्यूमिनेशन दिया गया इसके की होल में और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को नज़र आ रहा होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये जो पैनल है पूरा, वो कंप्लीट डिजिटल है, किसी प्रकार का एनालॉग यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले वाली प्री फेसलिफ्ट वाली बुलेरो में भी यही आपको देखने को मिलता था, ट्रिप टाइम वगैरह या फिर आप यहाँ पर हज़ार लाइट देखने को नज़र आ रहा होगा। IRVM जो है वो मैनुअल है और बहुत ही पतला जो है वो उसका सनवाइज़र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल जो है वो एक ही वैनिटी लाइट्स आपको यहाँ पर मिलती है इस गाड़ी में। एक यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके की, देखिए फिट एंड फिनिश कुछ खास नहीं है, प्रॉपर फिट एंड फिनिश नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो ये एक रूरल और रग्ड SUV है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ उसी प्रकार का है तो ही आपके लिए बेहतर फ़ायदे का सौदा होगा। AC वेंट्स कुछ इस तरीके के यहाँ पर इंटीग्रेट कराए गए हैं, एयर कंडीशनिंग यूनिट के कंट्रोल्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे, एंड डिफ्लेक्टर्स या फिर डिफॉगर यूनिट आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी। एक हैंडल दिया गया है ताकि ऑफ रोड करो या अगर ऐसे सड़कों पे उतरो जो कंफर्टेबल रोड्स नहीं है वहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। एक छोटा सा ग्लव बॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर दो स्लॉटिंग्स दी गई हैं, कुछ स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। दो कैन आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, छोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो, कुछ सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। अगर सीट्स की बात करूँ तो कुछ नहीं सीट्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, बट इस गाड़ी के अंदर समस्या ये थी कि सबसे ज़्यादा बॉडी रोल रखती थी महिंद्रा में। और अभी भी लेटर ऑन फ्रेम है, पीछे वाली जो सस्पेंशन यूनिट है वो भी लीफ स्प्रिंग यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से बॉडी रोल अभी भी ज़्यादातर इसमें रहने वाली है। यहाँ पर तो मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती क्लच में या फिर चलाने के बाद ही ये सब चीज़ें तो पता चलेंगी। एनीवे सेकंड रो पे चलते हैं और वहाँ चेकआउट करते हैं। अगर यहाँ से सेकंड रो की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको मैन्युअली ही विंडो रोल डाउन करनी पड़ेगी, ओल्ड क्लासी लुक, इंग्रेस करने का स्टेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर जाकर आप जो है वो अंदर बैठ सकते हो। देखो सीट मैंने आगे अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस देखने को ऐसा ऑफर नहीं होती है,
ये भी काफी वीक सी लगती है, और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिया तो है लेकिन ये यूजलेस ही है क्योंकि आर्मरेस्ट की पोजीशन एटलीस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, और मैं ऐसे खुद के कंधे को ऐसे झुका इस पर रेस्ट ऑब्वियसली पसंद करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये मेरी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा है। ये मुझे स्ट्रेट बैठना है और मुझे आर्मरेस्ट यहाँ होना चाहिए, तो आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग जो है कम्प्लीट फेल है। किसी भी प्रकार का हेड रिस्ट्रेंट जो है ना तो ना ही एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिलता है। सीट बेल्ट जरूर आपको आई गेस 3 pointed सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिलती है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आगे की जो सीट बेल्ट का पोजिशनिंग या फिर सीट बेल्ट का हुक है वो भी पीछे आ जा रहा है, तो आपको आगे ही ये रखना पड़ेगा। तो कुछ फ्लॉज ज़रूर हैं, जैसे भी केबल है वो केबल है, तो एक रग्ड SUV एक्चुअली ये है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और अगर गांव में चल रहे हो आप, शहर में ज़्यादा नहीं आपकी मूवमेंट, तो एक ठीक चॉइस मेरे ख्याल में आपके लिए हो सकती है। अंडर थाई सपोर्ट की कमी नहीं है, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी सही है, स्पेसिंग ओवरऑल जो है वो सेकंड रो में ठीक ठाक है, मुझे काफ़ी अच्छा हेड रूम यहाँ पर जो मिल रहा है, और मेरे ख्याल में 5 से भी ज़्यादा मेरी उंगली यहाँ पर आ जा रही है, तो एक बहुत अच्छा हेड रूम है। और इससे उन्होंने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हेड रूम आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही होगी। साथ ही एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो गाड़ी है अंदर से स्पेशियस तो है लेकिन कम्फर्ट आपको इतना नहीं मिलने वाला, सीट्स कुछ इतने ज़्यादा कुछ नहीं है या कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी सीट्स नहीं है। पीछे चलते हैं, यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। गाइस अंदर चलने की मैं कोशिश करता हूँ, ये स्टेपर यहाँ पर दिया गया, एक हुक यहाँ पर दिया गया ताकि आप इजीली इनग्रेस इसमें। ये सीट्स मुझे लगता है मेरे लिए तो यूजलेस ही है, किसी प्रकार का अंदर थाई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, और ये जो रिक्लाइन एंगल है वो भी स्ट्रेट है बिल्कुल, जो सीट की पोजिशनिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है जिसकी वजह से मैं कम्फर्टेबल एटलीस्ट नहीं बैठ पा रहा हूँ, और छोटी भी है सीट्स काफ़ी। यहाँ पर दो लोग अगर बैठना भी चाहेंगे ना तो मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर तक की डिस्टेंस अगर आपको कवर करनी है तो बड़े लोगों के लिए ये हमें काफ़ी टच कर रहा है। छोटे लोग अगर यहाँ पे बैठ रहे हैं जिनकी हाइट एटलीस्ट 5 foot 4 inch के आसपास है, 4-5 foot 3 inch के आसपास है, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है, और बच्चे जो हैं वो अच्छे से अकोमोडेट कर सकते हैं। इनको हटा के आप इसको एक बेहतरीन बूट स्पेस ज़रूर बना सकते हैं, ये ज़रूर मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि बूट स्पेस की यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है कि अगर आप इसको एज अ 5 seater यूज़ कर रहे हैं गाइस। सो फिलहाल किसी और दिन जो है वो इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके हम लोग आएंगे। गाइस ये जो गाड़ी है वो केवल एक ही इंजन ऑप्शन के साथ में आती है, कुछ भी ऐसा पावर ओरिएंटेड इंजन ऑप्शन नहीं है, 3 cylinder का 1.5 liter CRDE इंजन ऑप्शन है जो कि 75 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 200 Nm टॉर्क के आसपास, और 3 cylinder इंजन है, वाइब्रेशंस काफ़ी हैं इस इंजन में और वो वाइब्रेशंस एंड हार्शनेस जो है वो गाड़ी के अंदर तक आती हैं। हालांकि प्रॉपर इंसुलेशन एंड पैडिंग जो है वो महिंद्रा ने यहाँ पर दी है, और एक ओल्ड मैकेनिज्म यहाँ पर कुछ दिया गया, प्रॉपर पैडिंग दी गई है, एंड टर्बो चार्ज्ड ही ये डीजल इंजन है, और यही डीजल इंजन जो है वो आप TUV 300 में भी देखते हैं। गाइस ये जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ठीक है उन सड़कों के लिए या फिर टॉक ठीक ठाक डिलीवर आपको कर देता है उन सड़कों के लिए जहाँ पर आप रफ रोड्स कवर कर रहे हो, तो ओवरऑल एक डिसेंट जो है वो डीजल इंजन यहाँ पर मिलता है। किसी भी प्रकार का पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो है वो महिंद्रा इसके अंदर ऑफर नहीं करती है, जहाँ पर XUV 300 की बात हो या फिर महिंद्रा XUV 500 हो या स्कॉर्पियो, वो इंजन ऑप्शंस पेट्रोल में भी ऑफर करती हैं, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या AMT आपको महिंद्रा इस गाड़ी के साथ में अवेल नहीं कराती है। गाइस सो गाइस जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये प्रॉपर 7 seater तो नहीं बिहेव कर सकती, बट हाँ आपके घर में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे हैं हाइट में या फिर अभी बच्चे हैं, तो ऐसे में वो जो जंप सीट्स पीछे दो दी गई है वो यहाँ पर ज़रूर फेवरेबल है, और एक 5 seater इसको ज़रूर हम कंसिडर कर सकते हैं, 5+2 को इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आपका काम हो डेली ऐसा कि आपको सामान बहुत ज़्यादा लेके जाना हो या फिर आपको ऐसी सड़कें पर ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ पर बहुत ही रफ रोड्स हैं, पॉटहोल ज़्यादा हैं, उसके लिए एक बहुत ही सुपीरियर चॉइस जो है वो महिंद्रा की तरफ से आती है। अब कुछ हालांकि आप कॉस्मेटिक अपडेट्स भी इसमें देखते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी डिजिटल दिया गया है, और आगे भी जो है वो थोड़ी सी स्मार्ट देखने में ही लगती है। सो गाइस ये तो था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं और किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ यहाँ पर बना सकता हूँ, और बस मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।